और कारगिल में एंटर करते ही टायर पंक्चर। ये है वो छोटा सा झरना जहाँ से मैंने इधर पत्थर पे बैठ के पानी भरा है बोतल से, और हवा भी कारगिल वॉर मेमोरियल में पहुँच गए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और हम पहुँच गए हैं नमी कला, और ये भी काफ़ी ऊंचाई पर है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो में देख ही लिया होगा, हम ले टू श्रीनगर वाले रूट पर हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। सबसे ज़्यादा आर्मी का ही सामान, आर्मी के ट्रक्स, आर्मी की जीप, सब कुछ आर्मी का, हमारे से लोकल से ज़्यादा आर्मी ही आर्मी दिखाई देती है। और उनको देख कर ना जो प्राउड फील होता है ना, मैं तो इतना प्राउड फील करती हूँ कि पूछो मत। फिलहाल हम पहुँच गए हैं कारगिल, और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो सारी कारगिल की हैं, ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे हमारे वीर सैनिक उस टाइम पे तैनात हुए होंगे जब युद्ध हुआ था। तो इन सबको देखकर थोड़ा आइडिया लग जाता है, और नीचे बस्ती भी है तो थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। और जो ये नीचे है ये सारी कारगिल की बस्तियाँ हैं नीचे, और वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। और वो जो ऊपर चोटियाँ बनी हुई हैं वो सारे पहाड़ हैं, वो कारगिल के ही हैं। कारगिल में एंटर करते ही टायर पंक्चर, पूरा ट्रैवल हो गया, लेकिन कारगिल में एंटर करते ही जुगाड़बाजी हो गई। और मेहनत भी तो डबल है, जो एक और टायर में कुछ लगा कर इसको ऊपर कुछ करना होता था वो भी पता नहीं कहाँ खो गया, वो भी नहीं मिल रहा टाइम पर। ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें मिस ही हो जाती, सामान ये पड़ा। हम यहाँ कितना टाइम लगेगा रहे भाई। और बस अभी टायर पंक्चर ठीक कराने के बाद अब दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, श्रीनगर पहुंचना है। और अभी जो झूला पास भी नहीं आया है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। टाइम तो बता रहा है, मैप बता रहा है 2 घंटे 9 मिनट में हम जो झूला पास ही पहुंचेंगे, और उसके कितने दूर बाद होगा 100 किलोमीटर, उसके नेक्स्ट 100 किलोमीटर और आगे श्रीनगर है। और हमारा टारगेट है कि श्रीनगर हमें आज पहुंचना है, वहीं पर रुकेंगे। आप लोकेशन देखो यार, पानी कितना अच्छे से और कितना साफ सा बह रहा है। नहीं, मुझे गाड़ी इस तरफ करनी पड़ी आपको, ये पानी दिखाने के लिए बहुत सुंदर है यार, सच में बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ गंगा बहती है ना, उस तरह से। मेरे ख्याल से वो सिंधु नदी है शायद, आए नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा जो भी नदी है ना, आपको इसी में मेंशन हो जाएगा कि भाई कौन सी नदी है ये। और ये कारगिल मार्केट है, किस टाइप की है वो आपको देखने को मिल रही है, जैसे हाँ हमारा सराफा बाजार मुजफ्फरनगर जो है उस टाइप से ही है सब कुछ। देखो ये बर्तन टंग रहे हैं, और ये सारा जो घरों में यूज़ होता है। और आगे वो पुरानी मुजफ्फरनगर का कंजेस्टेड सा एरिया है ना, लद्दा वाला है, उसकी तरह है कुछ डिफिकल्ट सा, पतली पतला एरिया सा उसी की तरह, लेकिन यहाँ पे पहाड़ है। ये आए निकल कर, ये डिफरेंट है यहाँ पे, ये पहाड़ों की खूबसूरती यहाँ पर बसी हुई है। और कारगिल से जो ये हमारे साथ साथ ये नदी बह रही है, इसका नाम है द्रास
रिवर, और ये हमारे साथ बहुत पहले से चल रही है और कंटिन्यू आगे चल रही है। बहुत साफ पानी है, अभी बाहर निकल के देखा था तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर, और बहुत ही तेज आवाज़ आ रही थी, झड़ 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 झड़। मॉर्निंग सुबह 6:45 से चलते हुए कंटिन्यू, बस बीच में टायर पंक्चर हुआ था और एक जगह ब्रेकफास्ट किया था थोड़ी सी देर, वो भी जल्दी जल्दी, और टाइम अभी भी 1:27 अभी भी लेफ्ट दिखा रहा है, वो भी जो जिला पास तक का ही। अभी तो श्रीनगर उससे आगे 100 किलोमीटर अराउंड है। यार थक गए कंटिन्यू, मैं तो साइड में बैठी हुई थक गई, तोमर साहब जी का तो पता नहीं क्या हाल होगा। और हमारे आगे जो ऊपर वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उन पे तो बहुत अच्छी खासी बर्फबारी चल रही है, पता नहीं लगता तो नहीं है कि हमें रास्ते में मिलेगी, ये तो बैक साइड जो पहाड़ है वो है। हाँ सारा आ जाएगा इसमें। अरे हमारे तो बहुत गहरा वाला है, देखने में तो छोटा सा था, ऐसे लग रहा था। हाँ मुझे तो लग रहा था नहीं आएगा। चलो और रात का इंतजाम भी कर लिया, राजमा राइस पैक भी करा लिए और यहाँ से निकलते हैं। ना रुकते रुकते भी थोड़ी बहुत देर के लिए कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ जाता है, बस अब चलते हैं आगे। और हमने यहाँ पे बहुत साफ पानी का एक छोटा सा झरना था, उसकी वीडियो तो नहीं बना पाई, बट पानी भर लिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आपको दिखाऊं। और ठंडा बिल्कुल, और बिल्कुल फ्रीज़र वाला। मैं पानी भर रही थी बीच में बैठकर पत्थर पर, तो हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो गए थे। ये वो छोटा सा झरना जहाँ से मैंने इधर पत्थर पर बैठ के पानी भरा है बोतल से, और इतना ठंडा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीचे एक एक भी स्टोन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ। ये पांग होते हुए आओ, मनाली के थ्रू आओ, बिल्कुल भी नहीं, आप इस रास्ते से आओ, रास्ता बेहद स्वर्ग जैसा रास्ता है भाई। और अभी तो हम श्रीनगर भी नहीं पहुँचे, ये हालत है कि भाई इतना सुंदर रास्ता है कि आपकी नज़रें नहीं हटेंगी इस तरफ देखे। इधर घर है और घर के बाहर ही आपका खेत बने हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और हम अभी कारगिल वॉर मेमोरियल में पहुंच गए हैं, रास्ते में ही पड़ता है, तो हमने यहाँ पे डिटेल पूछ लिए तो हमें बताया कि यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह नहीं। हवा बहुत तेज़ होने की वजह से मैं आगे आपको वॉइस नहीं सुना सकती हूँ, प्लीज़ आप इसको एंजॉय कीजिए। सारे फ्लैग कितने अच्छे से लहरा रहे हैं, बीच में बड़ा और बाकी साइड में छोटे छोटे। Thank you.
और यहाँ पे कारगिल वॉर में जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारी डिटेल इनके ऊपर लिखी हुई है। और ये थोड़ा सा जो थोड़ा लाइट हो गए हैं इनको अभी हाईलाइट दोबारा से किया जा रहा है, काम भी यहाँ पे चल रहा है। और प्लस यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो मैं ज़्यादा वीडियो में कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो और फोटोज़ आपको और देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सोनी तोमर पे जाकर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और मुझे जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। जो पड़ी हुई बर्फ़ है वो सबसे ऊपर टॉप पे बिल्कुल वाइट वाइट है और ये बासी बर्फ़ नीचे आ गई है वो उस पर बहुत सारी डस्ट वगैरह जमी हुई है और लग तो ऊपर अभी भी रहा है कि कंटिन्यू वहाँ पे अभी भी आतंक मचे हुए हैं। अरे और ये आ गया जोजुला पास, देखो वेलकम टू कश्मीर वैली, वाओ इट्स अमेजिंग। सही में वैली हो गई स्टार्ट, अब हम कश्मीर में एंटर कर चुके हैं। जोजुला वॉर मेमोरियल है, ये जोजुला वॉर, जोजुला वॉर मेमोरियल लद्दाख, प्राचीन शिव मंदिर, नहीं पास नहीं लिख रहा अभी तो वो है मेमोरियल। इंडियन आर्मी भी लिखा हुआ है। और रास्ता इतना खराब कि लेकिन कह रहे हैं फिर भी बहुत गंदा है, रीजन की सब जगह पानी पानी है, आप देखो पानी है, फिसलन है, मिट्टी है, बहुत ज्यादा फिसल भी रही है गाड़ी। तो भाई इस रास्ते में बस थोड़ा सा एक ये इशू है, बाकी तो देखते हैं ये कितना किलोमीटर का पड़ेगा, नोट कर रहा हूँ मैं, एक बार ये क्लियर हो जाए तो उससे बाद में फिर मेन रोड आ जाएगी। सोनी ये वाला एक बार दिखाओ सबको जरा, वो बादल नीचे, कैसे नीचे भी रोड और नीचे शायद सिटी या जो भी है कैंप वैम्प का।
देखो बादलों के बीच में से जा रहे हैं हम, ये देखो ये सारे बादल हैं। अब देखो जरा, अब दूर से देखोगे ना सब बादलों के बीच में से गाड़ी जा रही है। भाई साहब कितना तकड़ा एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, सीरियसली बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है यार। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक्सपीरियंस दे। देखो आप सामने से देखोगे ये सब बादल है और इधर तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बादल, थोड़े बहुत इधर पहाड़ दिखाई दे रहे। बादल के बीच में आ गई गाड़ी। आप देखो साइड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ हम बादलों में ही चल रहे हैं। ये देखो सब बादल है, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी मेरा सबसे एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, कोई कभी इस तरह बादलों में चला है? मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, बताओ। ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये देखो पहाड़ दिख रहे हैं ना और बाकी बादल हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये मेरा हाथ है और उधर पहाड़ दिख रहे हैं हल्के हल्के से बादलों में और बाकी बादल हैं नीचे खाई है। और इधर देखो ये गाड़ी जा रही है और थोड़ी सी आगे होते ही बादलों में ऐसे छुपी जा रही है, लाइट भी कैसे ब्लर दिख रही है। ये अब साफ हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा क्लीन हो गया। इधर की साइड है सारे बादल, ये गए ना सारे, यहाँ पे थोड़ा हिस्सा है बादल का एक थोड़ा हाइड्राम और नीचे खाई। भाई लाइफ में मैं तो पहली बार चला हूँ बादलों के बीच में से, ये बहुत भयंकर वाला एक्सपीरियंस, बहुत भयंकर वाला एक्सपीरियंस। बादलों के बीच में से मैं पहली बार चला हूँ लाइफ के अंदर, ट्रस्ट मी, इट्स सो अमेजिंग। सिर्फ कैमरा देख पा रहा था कि वो बादल है, अभी भी देखो साइड में बादल, कैमरा देख पा रहा है कि बादल है। हाँ। तो लोग ये कह सकते हैं कि तो फोग था ये तो। हाँ यही तो, बादल ऐसे तो होते हैं छोटे छोटे पीसेस में, अगर कोहरा होता तो ऊपर से नीचे तक सारे ही ढका होता, लेकिन क्लाउड्स ऐसे ही होते हैं ना हिस्सों में, पार्ट में, कोई ग्रे कलर का जैसे ऊपर है, अलग अलग कलर के अलग अलग हिस्से से बने हुए, और उधर भयंकर वाले वो उस क्लाउड से निकले हैं वहाँ पीछे से। मतलब इतना चल लिया है, अभी भी 55 किलोमीटर के आसपास है, पता नहीं कितनी दूर है, और ऊपर से फिर रास्ता भी ऐसा ही है, बारिश लगातार पड़ रही है, कमाल है यार। पता होता ना वो डेढ़ घंटा हम लोगों को उन्होंने ज्यादा खराब करा दिया वहाँ पास के पास में रोक कर, क्योंकि वीआईपी मोमेंट थी, बहुत ज्यादा टाइम लगा यार हमारा। और गाइस यानी कि 23:51 और हम पहुंच गए श्रीनगर, श्रीनगर होटल में आ गए हैं। होटल का व्यू कुछ इस तरह है, यहाँ टीवी वगैरह लगा हुआ है और थक गए हैं, और अब बस तोमर साहब ही नीचे से आने लग रहे हैं, अब बस फटाफट से सोएंगे और सुबह देखते हैं क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ।